एटा से बड़ी खबर, खाद विभाग की लापरवाही के चलते हादसा होने से टला। जिला खाद विभाग घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध गैस रिफिलिंग को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब। एटा में साठगांठ के चलते फल फूल रहा है अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार। आज सटीक ओंछा रोड के नासिरपुर चौराहे पर अवैध रूप से ओमनी वैन में गैस रिफिलिंग करते समय एक जोरदार धमाका हुआ। आग लगने से 2 से 3 बाइक व टेम्पो जलकर हुए खाक। धमाके कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यहां लगभग 3 सालों से विद्याराम धड़ल्ले से कर रहा है अवैध रूप से गैस रिफिलिंग। सिलेंडर की नौबत बुझा ले।